अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आतिफ रहमान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट फीमर बोन। सो दिस वीडियो इज़ इन थ्री पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू आर थ्योरेटिकल एंड द पार्ट थ्री इज़ द डायग्रामेटिक सेक्शन। सो प्लीज़ गो थ्रू इट, इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स अबाउट इट, थैंक यू गाइज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीमर। सो साइनोनिम्स मतलब इसको हम दूसरे कौन से ऐसे नाम से जिनसे फीमर को डेडिकेट किया जाता है, ओस फेमोरिस। ओस फेमोरिस इज़ अ लेटिन वर्ड व्हिच आल्सो डोनेट टू द फीमर। तो जो फीमर का दूसरा नाम है ओस फेमोरिस, इस वजह से लिखा है क्योंकि कुछ बुक्स जो है इसको ओस फेमोरिस के नाम से लिखती हैं। फीमर और ओस फेमोरिस एक ही चीज़ है। टाइप ऑफ बोन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। इट इज़ इंक्लूडेड इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने आपको बताया है कि अपर लिम हो गई, लोअर लिम्स हो गए, और जो पेल्विक ग्रिडल हो गया, शोल्डर ग्रिडल हो गया, तो ये चीज़ें जो होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो इस वजह से जो फीमर है वो कौन से स्केलेटन का हिस्सा है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इट इज़ अ बोन ऑफ थाई एंड इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इसका मैंने बता दिया है कि कितनी उसकी लेंथ है, तो 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताता हूँ मैं क्या है। जो हेड ऑफ द फीमर होता है वो आर्टिकुलेट करता है विद द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन इन ऑर्डर टू फॉर्म द हिप जॉइंट। उस हिप जॉइंट को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलो फेमोरल जॉइंट। तो हिप जॉइंट बोलें या एसिटाबुलो फेमोरल जॉइंट बोलें, एक ही बात होगी। इस वजह से ये कहते हैं क्योंकि एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन एंड द फेमोरल हेड आर्टिकुलेट्स विद द ईच अदर। सो द एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस इंक्लूड हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट आर द बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी इसको कहते हैं, या इसको एसिटाबुलो फेमोरल जॉइंट भी कहते हैं। नंबर टू, जो टू फेमोरल कंडाइल्स आर्टिकुलेट्स विद द टिबियल कंडाइल्स। जो फेमोरल कंडाइल्स होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं टिबियल कंडाइल से, और यहाँ पे टिबियो फेमोरल जॉइंट बनाते हैं, टिबियो फेमोरल जॉइंट यहाँ में बनेगा। लास्ट जो इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो है पटेलर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पटेलर सरफेस क्या है। वो फीमर का जो होगा वो आर्टिकुलेट करेगा विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला। पटेला जो बोन होती है, सेस्मॉइड बोन होती है, उससे उसके साथ ये आर्टिकुलेट करके यहाँ पे नी जॉइंट बनाएगा। तो ये हो गई इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसमें स्केलेटल एलिमेंट्स ऑफ द फीमर, या बोनी लैंडमार्क्स। जो हम इसकी फीमर की जो बोनी लैंडमार्क्स है उनको हम स्टडी करेंगे क्योंकि हम ऑस्टियोलॉजी कर रहे हैं फीमर की फ़िलहाल। फिर अगले टॉपिक्स में हम चल के फिर जो मसल अटैचमेंट्स होगी, नर्व वगैरह, वो फिर हम सारे बाद में करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ ऑस्टियोलॉजी की देख रहे हैं। फीमर कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, अपर एक्सट्रीमिटी, द शाफ्ट और मिडल एक्सट्रीमिटी एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी। ये तीन चीज़ों में फीमर को हम डिवाइड करते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, शाफ्ट एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू द अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी इंक्लूड्स हेड ऑफ द फीमर, नेक ऑफ द फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। अब ट्रोकेंटर का मतलब क्या है, ट्रोकेंटर का मतलब एक प्रोमिनेंस होता है, एक आउट ग्रोथ होगी, एक प्रोमिनेंस होगी, तो उस प्रोमिनेंस को हम कहते हैं ट्रोकेंटर। तो दो होंगे, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक लेसर ट्रोकेंटर, मतलब एक सुपीरियरली प्लेस्ड है फिर एक उसके इन्फीरियरली प्लेस्ड है। इस वजह से ग्रेटर और लेसर का हमने यूज़ किया। फिर मैं आपको इसको एलोबरेट करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू द हेड ऑफ द फीमर। हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स अबाउट टू थर्ड ऑफ द स्फीयर। अब इसका क्या मतलब हुआ टू थर्ड ऑफ द स्फीयर, हेड जो है वो कम्प्लीटली एक स्फीयर नहीं है, एक बाल की तरह। टू थर्ड ऑफ द स्फीयर है मतलब कम्प्लीटली स्फीयर नहीं है, टू थर्ड जो उसका एरिया है वो एक स्फीयर की तरह है, बाकी स्फीयर नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्फीयर। इस वजह से हेड फॉर्म्स अबाउट टू थर्ड ऑफ द स्फीयर विच इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। जब हम हेड ऑफ द फीमर को देखेंगे ना तो वो कुछ इस तरह से होगा, मैं फिर आपको डायग्राम्स में दिखाऊंगा। तो ये क्या हुआ, अपवर्ड है, फॉरवर्डली प्लेस्ड है, और फिर मीडियल साइड ऑफ द बॉडी तरफ होगा, मतलब मीडियल प्लेन की तरफ होगा। तो हेड ऑफ द फीमर इज एक्चुअली डायरेक्टेड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली प्लेस्ड। हेड आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम
ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट। ये मैंने आपको बताया था पहले ही, मैंने अभी आपको मैंने उसमें एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस में बता दिया है कि हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम के साथ ताकि वो हिप जॉइंट बना सके। हेड कंटिन्यू है अभी। और अब जो मैंने आपको कहा कि हेड जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इन द हेड देयर इज अ पिट आर ग्रूव कॉल्ड फोविया कैपिटिस वेयर अटैचेस अ लिगामेंट कॉल्ड एज अ लिगामेंट ऑफ द हेड। जो हेड ऑफ द फीमर होगा वहाँ पे एक पिट है, ऐसे एक ग्रूव बनेगा, एक खड्डा नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। जब मैं आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊँगा डायग्राम में तो उसमें आपको मैं विजुलाइज कराऊँगा, फिलहाल आप ये समझें थ्योरेटिकली। तो एक पिट है, एक ग्रूव, एक खड्डा है, वहाँ पर अटैच होता है एक लिगामेंट जिसको कहते हैं लिगामेंट ऑफ द हेड। और वो लिगामेंट इस हेड से निकलता है और फिर जो एसिटाबुलम होगा ऑफ द हिप बोन उसके साथ अटैच हो जाता है आपस में, तो ये उन दोनों को आर्टिकुलेट करवाने में मदद करता है। तो इन द हेड देयर इज अ पिट आर अ ग्रूव कॉल्ड द फोविया कैपिटिस वेयर अटैचेस अ लिगामेंट कॉल्ड द लिगामेंट ऑफ द हेड। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एनाटॉमिकल, ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर वो होती है थ्रू द ऑब्टुरेटर आर्टरी। वो भी जो आर्टरी होगी वो इस हेड में आएगी थ्रू दिस लिगामेंट जिसको हम लिगामेंट ऑफ द हेड कहते हैं, तो वो भी इस लिगामेंट के थ्रू आती है हेड, क्योंकि ये आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये हेड कवर्ड होगा विद द हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो हेड इज कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। ये याद रखने की चीज़ है कि हेड पूरा कवर्ड होगा हाइलाइन कार्टिलेज से एक्सेप्ट ये जो पिट आर ग्रूव है ना जिसको हम फोविया कैपिटिस कहते हैं, यहाँ पर कोई भी कार्टिलेज नहीं होगा, ये बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी एक ग्रूव है, बाकी जो पूरा हेड होगा वो कवर्ड होगा विद द हाइलाइन कार्टिलेज क्योंकि आर्टिकुलेटिंग है हेड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हेड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक की तरफ। नेक जो है वो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है नेक, वो भी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। कनेक्ट करता है हेड को टू द शाफ्ट, मतलब ये अपर एक्सट्रीमिटी को मिडल एक्सट्रीमिटी के साथ कनेक्ट करने में रोल प्ले करता है, अपर टू मिडल कनेक्शन बनाता है। ठीक है, जैसे ये हेड हो गया, फिर ये नेक, फिर ये शाफ्ट अगर बनेगा, मेरी डायग्राम इतनी रफ होती है थोड़ी, तो ये जो नेक है, ये नेक जो होगा वो हेड को कनेक्ट करवा रहा है शाफ्ट के साथ, तो ये इसका एक रोल हुआ। इसकी मैंने साइज़ आपको बताई है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ कॉन्वेक्सली प्लेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 125 डिग्री इन मेल एंड स्लाइटली लेस इन द फीमेल। दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ नेक शाफ्ट एंगल। अब ये जो देखेंगे ना अगर इसको आप, तो ये कॉन्वेक्सली इंक्लाइंड पोजिशन में प्लेसड है हेड, और वो कॉन्वेक्सली इंक्लाइंड पोजिशन पे जो इसका एंगल बनता है विद द शाफ्ट, ये याद रखने की चीज़ है। और ये एंगल याद करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी एग्जामिनेशंस में इसको पूछा जाता है, तो ये जो है इसको आप लाजमी याद रखें कि वो एंगल कितना है। मैं आपको और ज़्यादा इसको एलोबरेट करता हूँ और ज़्यादा बताऊँगा। तो ये क्या है, ये हेड को और शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन जो एंगल बनता है वो बनता है नेक और शाफ्ट के बीच में, जो शाफ्ट की एक्सिस होती है ना, अगर हम एक्सिस इमेजिन करें उसके, और ये यार ये नेक, तो इसका एंगल हम अगर मेयर करेंगे ना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आर एनी अदर इक्विपमेंट, तो वो हमारे पास आएगा 125 डिग्री इन द केस ऑफ मेल। और ये एंगल जो होती है स्लाइडली लेस होती है, अबाउट 2 to 3 डिग्री का फ़र्क होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। तो मतलब ये, और रीज़न भी बताता हूँ इसका, क्योंकि वो उनका वाइडर पेल्विस होता है, पेल्विस ऑफ द फीमेल इज़ वाइडर, वही रीज़न होता है, इस वजह से वो जो एंगल है वो उनकी 125 डिग्री से लेस होती है। दिस एंगल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फ्री मूवमेंट अवे फ्रॉम द पेल्विस। मैंने लिखा है ना, मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है ये मूवमेंट के दौरान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो है फीमर को मूव कराएगा अवे फ्रॉम पेल्विस। इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स आर डिसलोकेशन दिस एंगल अल्टर्स एंड कॉजेज द पेन एंड लिमिट द मूवमेंट। अगर फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेशन हो जाए ड्यू टू एनी ट्रोमा और ड्यू टू एनी केस ऑफ इंजरी, अगर हमारे पास कोई ये सीन क्रिएट हो जाए, ये सिचुएशन आ जाए, तब ये जो एंगल है, ये जो कॉन्वेक्सली प्लेस एंगल है, नेक शाफ्ट एंगल है, ये चेंज हो सकती है। तो वो जो चेंज होगी वो क्या करवाएगी, वो एक पेन होगा और दूसरा लिमिट कर देगी मूवमेंट्स को। मैं आपको उसके दो
दो केसेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्लिनिकली आप उसको नोट कर लें, क्लिनिकल नोट्स में वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। काफ़ी मरतबा काफ़ी एग्जामिनेशंस में वो पॉइंट किए जाते हैं, तो उनको याद रखना और उनके टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो फ्रैक्चर होगा या डिसलोकेशन होगा वो इस एंगल को चेंज करवा सकता है। एन इंक्रीज इन दिस एंगल द कंडीशन इज कॉल्ड द कोक्सा वेल्गा, कोक्सा वेल्गा लैटिन वर्ड है कोक्सा वेल्गा। अगर इंक्रीज हो जाए इसके एंगल में इन इन केस ऑफ एनी ट्रोमा, इन केस ऑफ एनी डिसलोकेशन, तो उसको हम कहते हैं कोक्सा वेल्गा कंडीशन को। किस वजह से हो सकती है, पॉसिबल काजेज इसके कंजनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट अगर हो जाए तो उस केस में कोक्सा वेल्गा अपीयर हो सकती है किसी भी पेशेंट में। और इससे क्या होगा, एडक्शन, एडक्शन मीन मूविंग टुवार्ड द मीडियन प्लेन, वो मूवमेंट जो होगी वो लिमिट हो जाएगी, मतलब द फीमर विल बी अन फीमर विल बी अनेबल टू मूव टू एडक्ट टुवार्ड्स मीडियन प्लेन। तो एडक्शन की जो मूवमेंट होगी वो लिमिटेड हो जाएगी इन केस ऑफ कोक्सा वेल्गा। और देन इसके ही बिल्कुल अपोजिट में जो सिचुएशन है, इसके बिल्कुल जो अपोनेंट एक सिचुएशन है वो उसका क्या होगा, अगर यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, एंगल डिक्रीज होगा। और उस सिचुएशन को हम कहते हैं कोक्सा वेरा, अगेन अ लैटिन वर्ड कोक्सा वेरा। वो क्यों होता है, ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर की वजह से ये कंडीशन अपीयर हो सकती है। अगर नेक का फ्रैक्चर हो जाए, नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर हो जाए तो कोक्सा वेरा की सिचुएशन अपीयर हो सकती है। और इन दिस केस एबडक्शन इज लिमिटेड, एबडक्शन मतलब द फीमर विल बी अनेबल टू मूव अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन इज इन केस ऑफ द कोक्सा वेरा। सो एबडक्शन इज लिमिटेड, ये याद रखने के लिए है, क्लिनिकल नोट्स हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, काफ़ी एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं।